हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल बर्गेन का सेफ। आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही स्पेशल रेसिपी बाइट ग्रेवी। आज मैं आपको बताऊंगा आप आसानी से अपने घर में अपने रेस्टोरेंट में बाइट ग्रेवी कैसे बना सकते हैं। बाइट ग्रेवी बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। आपने 250 ग्राम काजू, 250 ग्राम मगज और 250 ग्राम प्याज लेनी है। ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे बॉयल। सबसे पहले आपने इसमें डालना है मगज, काजू और प्याज। आप ऐसे काट के डाल दें 1:6 या फिर 1:4, इस तरीके से। 250 ग्राम प्याज थी इसलिए मैंने आपको चॉपिंग बोर्ड पे काट के नहीं दिखाई, ऐसे आपने काटना है और डाल देना है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी और गैस कर देंगे चालू और इसको अच्छे से उबाल लेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा आपने कितना उबालना है। ये देखिए, काजू, मगज और प्याज बहुत ही अच्छी तरीके से बॉयल हो गए हैं। आपने भी इसी तरीके से इनको उबाल लेना है। अब मैं कर दूंगा गैस बंद और इनको ठंडा करके पीस के फिर आपको तड़का मार के दिखाता हूँ कि आपने बाइट ग्रेवी के लिए कैसे तड़का मारना है। ये देखिए, ग्रेवी मैंने पीस लिए, आप भी इसी तरीके से पीसें। और एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आप ग्रेवी अपने घर में बना रहे हैं तो आप इसमें दूध डाल के पीसें। पानी से पीसेंगे तो उतनी सफ़ेद ग्रेवी नहीं हो पाएगी, कलर उतना अच्छा नहीं होगा। तो आप घर में बना रहे हैं तो आपको कोस्टिंग की कोई टेंशन नहीं है, तो दूध डालें तो ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ तड़का मार के। तड़का मारने के लिए मैंने पतीला चढ़ा रखा है, इसके अंदर मैं सबसे पहले डालूंगा ऑयल। जब आपका ऑयल गर्म हो जाएगा तब आपने इसमें डालने हैं सबसे पहले तेज पत्ते, सिनेमन स्टिक और हरी इलायची। ये सारी चीज़ें डाल के आपने इनको हल्का सा चटका लेना है, थोड़ा सा। उसके बाद आपने इसमें डालना है जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून और इसको अच्छी तरीके से भून लें। ऐसे अच्छी तरीके से भूनने के बाद आपने इसमें डाल देना है ग्रेवी जो हमने पीस के रखी थी, और गैस आपने करना है एकदम स्लो, गैस स्लो होना चाहिए। उसके बाद आप इसको मिक्स कर दें। ऐसे मिक्स करने के बाद आपने इसमें डालना है दूध या आप पानी भी डाल सकते हैं, ये है आपकी मर्जी, या फिर आप आधा दूध आधा पानी डाल सकते हैं। इसमें से आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और कुछ हमारे शेफ हैं जो बाइट ग्रेवी में प्याज नहीं डालते हैं, लेकिन मैं हमेशा डालता हूँ। मेरा मानना यह है कि बिना प्याज के ग्रेवी नहीं बनेगी, तो वो काजू और मगज का पेस्ट हो जाएगा। तो मैं जब भी ग्रेवी बनाता हूँ तो मैं इस तरीके से बनाता हूँ, मैं हमेशा बाइट ग्रेवी में प्याज टच करता हूँ। तो अगर आपको मेरा ये आइडिया पसंद आए तो आप भी प्याज टच करें। और आपने इसमें डालना है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और सबसे ज़रूरी चीज़, जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता है तब तक आपने इसको ऐसे लगातार चलाना है, चलाना बंद ना करें। उबाल आने के बाद आप चलाना बंद कर सकते हैं, लेकिन उबाल आने तक कंटिन्यू इसी तरीके से चलाते रहें। मैं भी इसी तरीके से चलाऊंगा जब तक उबाल नहीं आ जाएगा। ये देखिए, ग्रेवी उबल चुकी है। जब इस तरीके से ग्रेवी उबल जाएगी उसके बाद आप गैस स्लो कर दें और दूसरा काम आप कर सकते हैं। बीच बीच में आप इसमें ऐसे हाथ मार दें, इसको चला दें और स्लो गैस में आराम से पकने दें। अब मैं भी स्लो गैस कर दूंगा और इसको आराम से पकने दूंगा, बीच बीच में मैं इसको चलाता रहूंगा। ये देखिए, ग्रेवी अब बिल्कुल होने की तैयारी में है। अब मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा देता हूँ, आपने कैसे चेक करना है। इस तरीके से आपने इसकी थिकनेस चेक करना है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया हो गई है। जब ये ठंडी होगी तब और गाढ़ी होगी। इसी तरीके से आपने बनानी है। बहुत ही बेहतरीन ग्रेवी बन के तैयार है। ये देखिए, अब मैं कर दूंगा गैस बंद और इसको छान के दिखाता हूँ आपको। छानने के लिए आपने ऐसा सेटअप तैयार रखना है, नीचे मैंने परात रखी है, ऊपर मैंने रखी है छलनी, और आपने ग्रेवी इसमें डाल देना है। ये सबसे आसान तरीका है ग्रेवी छानने का। ये देखिए, और ऐसे आपने इसको हिलाना है तो सारी ग्रेवी नीचे निकल जाएगी। छानने का मतलब यही है, जो हमने इसमें खड़े मसाले डालते हैं या फिर कुछ मोटा रह जाए इसके अंदर तो वो ऐसे निकल जाए और ग्रेवी एकदम स्मूथ रहे।
अब आपने इसको ठंडा कर लेना है, उसके बाद आपने इसको अच्छे से स्टोर कर देना है फ्रिज के अंदर। अगर आप ये ज़्यादा दिन चलाना चाहते हैं तो आप इसको डिप में भी डाल सकते हैं। ये एक सही तरीका है ग्रेवी बनाने का। मैं फ्यूचर में आपको इसके वीडियो बना के दिखाऊंगा कि बाइट ग्रेवी से हम क्या क्या खाना बनाते हैं आला कार्ड में और इसको कहाँ यूज करते हैं। तो आने वाले टाइम में मैं आपको इसके वीडियो जरूर दिखाऊंगा बना के। आज मैं आपके लिए लेके आया बाइट ग्रेवी और मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया आसानी से कैसे बनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा काम पसंद आया, आपके दिल को टच किया तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए